पता है, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो ये पल है वो यहीं थम सा जाए, क्योंकि ये पल ही है जो हमेशा बाद में याद आते हैं, है ना? सो हेलो पीपल, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार वीडियो में घुमक्कड़ पहाड़ी की, सीधा सोलन हिमाचल प्रदेश से। सो आज हम जाने वाले हैं बाज़ार को, मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं तो हमने सोचा कहीं घूमा जाए, बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ उनसे, तो हम आप बाज़ार जाते हैं और कहीं घूमते हैं। पहले अभी प्लान तो पता नहीं है कि कहाँ जाएंगे, पर चलो चलते हैं उनसे, पहले मिलते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है हमने। पर उससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए वीडियो को, बेल आइकन जरूर दबाना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो जरूर पूरी देखना। चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। देखो हमारे भाई लोग भी आ गए हैं यहाँ पर। ओहो, कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा, तो लो भाई ये लोग भी आ गए हैं वहाँ पर। हेलो गाइस, तो कहाँ जा रहे हैं? आज हम जाएंगे SKT, SKT का फुल फॉर्म विच इज इन CHP, चाली हिमाचल प्रदेश। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा तुम लोगों ने नहीं देखा ना वो ना? नहीं, हमने देखा। दो बार जा चुका तू? कितने? तू 10 बार जा चुका? 10 बार जा चुका, रिसेंटली गया था यार। वो दोस्तों के साथ अलग ही मजा। हाँ वो तो है, चलो मजे करेंगे। ठीक ठाक हम कसौली का था, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते। पर मैं सोच रहा हूँ वैसे हम उधर भी जा सकते हैं, ये बोले एम गुजारिश करता हूँ। हम चल पड़े हैं अपने सोलन शहर की तरफ। ये हमारे यहाँ पे मैजिशियन सम्राट शंकर हमारे ड्राइवर है आज के लिए, स्टार्ट वीडियो। और ये हमारे रज्जू जी, अरे हमारे तरुण पाठक। अब सम्राट जी हमें दिखाएंगे वाटर ऑफ इंडिया। किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम की कसौली जाएं। अभी इन्होंने बोला कि कसौली जाएंगे हम, पर पता नहीं हम पहुंचेंगे कि पहुंचेंगे, वापस भी आ सकते हैं वहां से। खुद ही बोल दिया। तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक हुआ था इधर, और ये लोग दो तरीके थे क्योंकि इनको कुछ सामान वगैरह लेके आना, मतलब डोरिटो वगैरह लेके आए, रिकॉर्डिंग वगैरह लेके आए ना तुम ना? हाँ, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आए हैं। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है आज, थोड़ी दिनों से ज्यादा गर्मी होने लगी है। हाँ, तो अब निकल के बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ट्रैफिक खत्म हो रहा है। आज वीकेंड का टाइम है ना, तो काफी ट्रैफिक हुआ होता। One eternity later. तो अभी तक हम जाम में फंसे हुए यहाँ पर। ये टोल नाका, यहाँ पर टोल वगैरह कटता है तो उसकी वजह से बहुत टाइम लग गया यहाँ पर। और वो लोग भी गए हुए हैं आगे अभी, क्योंकि वो बोर हो गए थे गाड़ी में बैठे बैठे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा हम वॉक करके जाते हैं। वो बस मेरा आगे वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कसौली वगैरह घुमाऊंगा जब ये पार्किंग वो लग जाएगी यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाड़ी आ गई है यहाँ पर, तो उसकी वजह से यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। चलो ठीक है, यहाँ पर ये जो पार्किंग वाला बन गया, ये 3-स्टोरी है ये वाला, तो उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हो गया। नहीं तो पहले ना यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, रोड की साइडों में खड़ाई हुई थी लोगों ने, उसके से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो देखो यहाँ पर देखो झूठे वाले खतरनाक ही बाल हुए इस टाइम पे इसके, मेरे एक और फ्रेंड के थे ऐसे ऐसे, मतलब डेड लॉक्स के भाई, खतरनाक कैसे बना लेते बंदे भाई,
मैं तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई मेरे अपने बालों को ऐसे ख़राब करते हुए, पर लगते तो सही हैं। पर चलो फिर थोड़ी देर में कसौली घूमेंगे और वहाँ जाके मज़े करेंगे। तो हमारे यहाँ पर अभी 130 रुपीज़ लगे थे, यहाँ पर पार्किंग है और ये टोल दोनों को मिला के है ये, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी पार्किंग है यहाँ पर। मतलब पहले यहाँ पर पार्किंग नहीं होती थी, उसके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया है अभी। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर कसौली की मार्केट, ये देखो काफ़ी अच्छी सी मार्केट है, मतलब छोटी सी मार्केट है पर काफ़ी अच्छी मार्केट है। बस दिक्कत यहाँ पर एक चीज़ की रहती है ना, बंदरों की। बंदर वंदर आ गए ना अगर आपके पास ना, उस चीज़ की काफ़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि वो सामान वगैरह उठा कर चल जाते हैं कई बार, तो काफ़ी अपने सामान को संभालते चलना पड़ता है। और ये देखो मेरे दोस्त उधर बैठे हुए आराम से, और ये स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। सारे कहाँ गए? वो दोनों कहाँ गए? मुझे पूरा मिट्टी होगी, क्या कर सकते हैं। कैसी है? तो सुबह सुबह वॉशरूम का तहलका मचाने वाली चटनियाँ हैं। एक्सप्रेशंस। और ये देखो चिकन वाले चिकन नहीं। मौली की मोमोज ना भाई दी बेस्ट, दी बेस्ट होते हैं, इतनी ज़्यादा अमेजिंग लोकेशन दिखाते। मैं और दीपू पता क्या करते थे, हम ना कॉलेज जाते थे, उसके बाद ना यहाँ से बाइक में आ जाते थे सीधा कॉलेज से यहाँ पर, यहाँ पर मोमोज खाते थे। यही होती थी शायद वो, ये होती थी इससे आगे वाली होती थी, पर मज़ेदार है मोमोज, काफ़ी मज़ेदार है। ये देखो मोमोज देखो जरा, मज़ेदार मोमोज। और देखो मुसाफिर भी आ गए, आवारा मुसाफिर भी आ गए कोल्ड ड्रिंक लेते हुए। बैठ जा बैठ जा, तू बैठ जा बैठ जा। तो मैं उस टाइम कॉल कर रहा था वो। आप देखो यहाँ पर बढ़िया वो, देखो देखो ये देखो हमारे भंडारी, इनको कोल्ड ड्रिंक तक खोलनी नहीं आती है, पता नहीं क्यों हिलाते हुए क्यों मारे थे इधर से पीछे से ये। ये वो तो नहीं है ध्यानचंद तो नहीं है? ध्यानचंद है ना जी। तो क्या पूछ लेता कि मैं, मेरे को पहले से पता था तभी तो तेरे से पूछ रहा हूँ भाई। तो कंफर्म कर रहा, मैं कंफर्म कर रहा था ना कि फायर पान, यहाँ पर फायर पान भी मिलता है शायद। रजत फायर पान तो खाना तेने, फायर पान पीछे बंद अंग्रेजों के टाइम पे, तब तो यहाँ पर दुगना लगान देना पड़ता होगा ना तरुण। मार्केट में सही बात है, ये हेरिटेज मार्केट है ना, तो यहाँ पर दुगना लगान देना पड़ता होगा ना, चौगना। अच्छा अच्छा ये भी बहुत फेमस शॉप है। कौन सी वाली? ये वाली नरेंद्र स्वीट्स, समोसे वाली शॉप है। नहीं आ रहा आज, खाएंगे हम ये सॉफ्टी, सॉफ्टी खा सकते हैं अभी इतनी। इस मार्केट की खास बात है यहाँ पे पेशावर के खिलजी और रॉबर्ट की लड़ाई हुई थी। अच्छा फिर जीता कौन था? जीता पेशाब हो गया उसके, खिलजी जीत गया। रॉबर्ट वैसे ही जीत गए, वो लड़ते रह गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो मेन थे वो रॉबर्ट जी जीत गए। ओह ऐसी ऐसी बात होनी, उन्होंने काफी ज्यादा
मफिन भी अच्छे का वो क्या तरुण के बर्थडे का केक ना वो भाई ऐसा रम वाला केक था ये तो बकवास देखो यहाँ पर आप अपनी लाड़ी के लिए वो भी ले सकते हैं यहाँ पर सूट वगैरह शिफॉन 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 के सूट्स ले शिफॉन के रूट्स शिफॉन ओ भाई यहाँ पर बहुत अच्छी वीडियो आती है सिमरन बोल रही थी कि मेरी इंस्टा रील्स बनानी है हाँ वो तेरे कच्चे बादाम आते हैं यहाँ पर हम ओ कल इन्होंने ये होली सेलिब्रेट करी थी ना कल थी ना होली हाँ तो इन्होंने कच्चा बादाम वाली बनाई थी वीडियो वो मैं शायद उनसे चोरी करके डाल दूंगा इस व्लॉग में तो दिखाऊंगा और यहाँ पर आगे एक और शायद मंदिर है कि चर्च भी है आगे एक और आगे हम एक बार आए थे तरुण ना हाँ हम तो नीचे तक गए थे हम तीनों थे यहाँ है ना हम तीनों तो थे उस टाइम पे यही है वो भंडारी को जगह पता है तुम्हारे को जब आप आए नहीं थे इधर स्कूल टाइम पे आए थे भी कॉलेज टाइम पे स्कूल टाइम पे आए हम इधर उधर आजा अच्छी जगह आगे हैप्पी होली यहाँ पर देखिए आप ना एक सीन रुक लीजिए एक ये देखो इट्स माय शेड्स हैं ये कैसे शेड्स भाई ढंग से नहाते नहीं हो आप ऐसा किस तरह 50 शेड्स ऑफ ग्रे कि बिहारी ने ठीक रगड़ दिया तेरे को कलर और यहाँ पर जो सुलभ शौचालय है उसकी तो बहुत अच्छी हालत हुई हुई है इस टाइम पे हाँ यही रह गया था इसको भी ले लो हर चीज लेनी चाहिए ना मेरी ना हाइजीन वगैरह सब कुछ लेना पड़ता है ये हमारा BSNL का केंद्र स्लोएस्ट इंटरनेट ऑफ इंडिया पहले बढ़िया चलता था यार इनका यार बीच में हो गया जिस जियो आ गया ना उसके बाद सारे शिफ्ट कर गए थे है ना इस पे मतलब ये जियो वगैरह पे ना तो मेरा बढ़िया चलता था उस टाइम पे और थोड़ी देर बाद ना जब सारे लोगों ने ये प्लान्स वगैरह बढ़ा दिए सारे BSNL वापस आ गए फिर से वही स्पीड आने लग गई यही देखो तो आदत ही नहीं रही चलने की किसने बोला था बाथरूम चप्पल पहन के आने के लिए ये देखो यहाँ पर लड़की ने बाथरूम चप्पल से लेके आई है ये आज नहीं नहीं यार देखो ऊपर से भी सही है चल ठीक है ये भगवान कोई बात नहीं यार मैं वो उस पे ऐसे डाल दूंगा बिल्कुल उसकी शक्ल डाल दूंगा और बिल्कुल टू दबा दूंगा वो टू लगा देते ना बिल्कुल म्यूट कर दूंगा बिल्कुल मैं हाँ तो मैं बोल रहा था म्यूट कर दूंगा हम देसी हैं बिल्कुल देसी कौन सा गाना था यार वो अभी मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ अगर अच्छा आया तो अप्लॉज कर सकते हैं आप अगर बेकार आया तो उसके लिए सॉरी इले मैं खींचता हूँ यार ये ले हमारा ढक्कन खराब मैं गुम हो गया था तो ये ढक्कन ढूंढ रहे इस टाइम पे इधर हटो मेरे बैकग्राउंड से ओ भाई हर कुछ आ रही है यहाँ से ऊपर से नीचे को आती है ना तो इससे अच्छा सिमरन इतनी सही आ रही है इधर को वीडियो व्यू तो ठीक ही है मतलब यहाँ से ठीक ही लग रहा है देखने में आगे जब यहाँ से जाते हैं हम ना मैं इनको बोल रहा था कि जो यहाँ से रास्ता जाता है ना ऊपर से ना वो आगे को जाता है वहाँ पार्क जैसा है आगे को वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मतलब यहाँ से देखते हैं हम कहाँ से रास्ता निकलेगा उसके लिए पार्क के लिए पर फिलहाल देखो यहाँ पर भंडारी जी की यहाँ पर वीडियोग्राफी हो रही है सिमरन के लिए ओहो हो
क्या बोलते हैं, मैं BTS शॉट ले रहा हूँ पीछे से मैं। Not satisfied. तू ब्लॉग बना दे। तो ब्लॉग ही बना रहा हूँ मैं, क्या कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं ये एंगल देखो कहाँ से बना रहा है इसके लिए। रुक जा एंगल देखो। खतरनाक ही एंगल बना रहा है ये अभी। ऐसे ऐसे करके ना ऊपर कर दिया तू कैमरा। तरुण बिल्कुल तरुण के गड्ढे से निकाली ऊपर से ये डिंपल वाले। चलो चलो जान दो उचरी। मैं फंस गया था इसमें। पॉइंट आगे कहीं से भी हो जाएगा, बोले कहीं भी कर लो। बोले वो चल जाओ उधर। हाँ यहाँ है आगे यार सनसेट पॉइंट। एक और है वो, यही है वो, एक आगे भी है वहां से राइट में जब हम उधर को आगे बैठते ना परे ना। ये यहाँ पर ये तरुण है, ये बॉन्ड है, ये रजत, ये सिमरन भी बैठी है ऊपर। वो देखो फिर से कर दो, फिर से करो इधर देख के। हमें पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। क्या पीता है, क्या है ये? इसको बोलते हैं राम। राम राम फ्रॉम चेन्नई चक टू चाइना। वो बॉल्स भी ले सकते खेलने के काम आएंगे। देख बॉल मुझे मजा लगता है इसको करके तो ना तृप्ति आ जाती है भाई। खतरनाक ही है वाला। कितने का? 150 मजा है। बॉन्ड आप नहीं लेना चाहेंगे कुछ? आप ये ले सकते हैं, बंदूक ले सकते हैं, वे डमरू भी ले सकते हैं वाला। मजा हर कुछ आ रहा है। आ जा जल्दी आ भाई, मजा आ गया। तो अभी हम आए यहाँ पर चॉकलेट वनीला आइसक्रीम खाने। और तरुण जी आप क्या करने वाले थे? हाँ, और ये हथियार है। और एक सेकंड हाँ हाँ सेकंड। ओहो नॉट एक, तू भी ना यार। और ये देखो हमारी आइसक्रीम भी आ गई। ये हमारी आइसक्रीम आ चुकी है और हम आइसक्रीम खाएंगे। चीयर्स चीयर्स। चॉकलेट भी था। चीयर्स कर। चीयर्स अच्छी है बड़े यार। अबे आइसक्रीम गुम कहाँ चली गई? अरे भाई इस टाइम बहुत ज्यादा गम में है, इनको घर पे डांट पड़ गई है। इन्होंने यहाँ शॉपिंग करनी थी और ये लेट हो चुके हैं। You are wasted. देखते रजत पीछे हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। वो तो मतलब ये होता कि उन्हें तकलीफों ना डील करना होता। बिल्कुल सही। और मैं आपको यहाँ पर एक पुरानी दुकान दिखाता हूँ, मतलब अंग्रेजों के टाइम की दुकान है ये। बिल्कुल भी नहीं।
यहाँ गया है उधर नो, मतलब मैं बोल रहा था कि जो दुकान है ना, ये ना अंग्रेजों के टाइम पे है दुकान ये, और यहाँ पर काफ़ी क्रिकेटर्स वगैरह ने यहाँ पर पिक्स खिंचाई है यहाँ पर। और मैं आपको ये दिखाता हूँ अब, कसौली का चर्च, बहुत ज़्यादा मस्त चर्च है ये। ये बाहर से जितना अच्छा लगता है उससे ज़्यादा ये अंदर अच्छा लगता है। और जो बैक साइड में जो यहाँ पर गार्डन जैसे छोटा जैसा है ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह आती हैं। तो ये जगह है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। और यहाँ पर रजत जी ने स्टार्टिंग करी थी, रजत जी ने यहाँ से स्टार्टिंग करी थी। देखो यहाँ पर ये तरुण लगा हुआ है फ़ोटोज़ खिंचाने, सिमरन तरुण के तो ये फ़ोटोज़ के पोज ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं भाई, मारना दी तू इसको ये देखो हमारे पास कंपास है कि क्या है, अच्छा कंपास ही है ये ना, तू चला रहे ले, अरे माँ रुक जा एक्सीडेंट। तो भाइयों अब हम जा रहे हैं सोलन वापस, यहाँ का ट्रिप हमारा, अब हम वहाँ पे चिल करेंगे, चिल इन होम टाउन, वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे, हम पार्टी करेंगे थोड़ी बहुत, सोलन घूमेंगे। गाइस कभी भी कसौली आओ तो एक कप पिला लीजिए, बहुत टेस्टी बनता है। ओहो खतरनाक, बाहर हिमाचल से बाहर काम कर करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हम घूमने आ जाते हैं, वही काफ़ी टाइम बाद आते हैं लोग, तो हम वैसे ही मज़े करते हैं जैसे हम पहले करते थे। फन हम लोग काफ़ी टाइम हो गया, 10-15 साल हो गए हमारे साथ। इसका एक्वाफिना नहीं ख़त्म हो रहा है। आज देखिए 20 रुपए की बॉटल है, मात्र 20 रुपए, सच में नहीं आ रहा सच्ची, पानी इतना मीठा मीठा पानी, अपने तो पानी पीना अब निकालना है। भाई अब चले हम सोलन को, यहाँ पर अंदर खड़ी हुई करी हुई यार, और साइडों में खड़ी हुई यहाँ पर ना वो बसेज वगैरह भी खड़ी हुई हैं, और गाड़ी वगैरह इन्होंने इधर ही खड़ा दी है। फिर चलो फिर चलते हैं। चल यार रजत, चलो गाइस आई एम आउट, रुक जा भाई, मेरी क्या बोल रहे हैं पेशी लगने वाली है आपकी आज, नहीं तो रुक जा, जाके लगनी है बाद में चल जाइयो, अभी शायद मैं मना भी लूंगा बाद में तो बेइज्जती हो जाएगी, तो फंस गया। चलो ठीक है गाइस, ओके चल ठीक है, देख आ जा खा खा के, हम वेट कर रहे हैं, थोड़ी टोस्ट करेंगे चलो, कितने चलो ठीक है ओके शाम को तो मिलेगा, तो अभी हम जा रहे हैं मॉलिंग करने, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से जा रहे हैं, मतलब साइड में यहाँ पर बाईपास में, देखो ये देखो कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं हम, छोटी सी जगह है साइड से निकलने की जिससे हम जा रहे हैं। ओह बाईपास का ट्रैक निकला हुए तरुण देखो बाईपास का ट्रैक है हमारा ये, आप आ सकते हैं यहाँ पर ट्रैकिंग करने, आपको ऊपर जाके सीधा आपको सड़क मिलेगी, और हम थक गए हैं देखो कितना ज़्यादा थक गए ना हम, ओह इतना अच्छा ट्रैक कैसे हो सकता है ये। अभी हम आए हैं रेड्स चिकन और बर्गर्स वगैरह हम मिलते हैं यहाँ पर, और चलो चेक करते हैं हम कैसा है यहाँ पर एक्सपीरियंस, कैसा होता है यहाँ पर, क्वालिटी कैसी है, और काफ़ी अच्छी है मतलब वैराइटीज़ वगैरह हमारे को काफ़ी देखने को मिल रही है यहाँ पर। जो यहाँ पर अभी सिमरन ऑर्डर कर रही है और हम आराम से बैठे हैं, बाकी जो दोस्त वगैरह थे वो पीछे हैं, अब उन्होंने कुछ ना कुछ खाना हो। यहाँ पर जो ग्रीन वाला बर्गर है मैंने वो वाला करा है, और किंग साइज वाला बर्गर होगा मतलब वेज भी है, और साथ ही साथ में आपको नॉन वेज बर्गर भी मिल जाएंगे यहाँ पर, और क्या कह
और हाँ बकेट्स वगैरह भी यहाँ पर है, बकेट्स भी है ना, बकेट्स भी है, बकेट्स वगैरह भी मिल जाएगी आपको साथ ही में, भी है। चलो अच्छा है, पहले टेस्ट करके देखते हैं फिर उसके बाद मैं रिव्यू कर करता हूँ कि कैसा है ये। आपको मतलब जो डीसी ऑफिस है, डीसी ऑफिस के बिल्कुल राइट में, डीसी ऑफिस जो चौक है ना मशरूम चौक, उसके बिल्कुल राइट में आपको मिल जाएगी लोकेशन, और काफ़ी अच्छी लोकेशन मतलब इन्होंने इंटीरियर भी ठीक है, वैसे काफ़ी ज़्यादा हमारे को वैरायटी मिल जाती है यहाँ पर। हम देखो यहाँ पर अब रेड्स का सामने चिकन बर्गर्स वगैरह मिल जाते हैं, सैंडविचेज वगैरह मिल जाते हैं आपको, फ्रेंच फ्राइज भी काफ़ी मिल जाते हैं, नगेट्स बेसिक चीज़ वगैरह काफ़ी मिल जाती है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिहेवियर भी है मेरे को जैसे मेरे को सिमरन ने बताया, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। मैं पहली बार आ रहा हूँ, मैं पहले आया था यहाँ पर उस टाइम पे यहाँ पर लाइट वगैरह का प्रॉब्लम था, उसके वजह से मैं कर नहीं पाया था टेस्ट वगैरह। चलो हम आज देखेंगे कैसा है रेड्स। तो दोस्तों वो रेड्स का बर्गर बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मैं इस टाइम वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो गई थी, सॉरी उसके लिए। अब वहाँ ज़रूर जाइए और टेस्ट ज़रूर करिए उनके बर्गर, प्राइस वगैरह भी बहुत अच्छे थे। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, और पिछली वीडियो भी देखिए, नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, और मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो पर।